हे गाइस, तो आज मैं इनको फेशियल करके दूंगी। ये मेरा फेशियल का बात सुन के दौड़ के भाग गए। इनको मैं खींच खींच कर जबरदस्ती ला के फेशियल कर दूंगी। ये है वो प्रोडक्ट जो मैं आज यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे है वाइप्स और कुछ क्रीम और हजमोला। तो सबसे पहले मैं उनको क्लिप लगा रही थी, क्लिप चुभ गया इसलिए वो गुस्से से खुद ही लगा दी। फर्स्ट इनके मुँह पे मैंने एक हजमोला दे दिया ताकि इनको ये फेशियल का प्रोसेस हजम हो जाए और ये बोर ना हो। जब तक ये हजमोला खत्म करते हैं, इनका मुँह थोड़ा हम वाइप से क्लीन कर देते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा गुलाब जल अप्लाई कर रही हूँ ताकि फेस थोड़ा सॉफ्ट रहे। मसाज करने के बाद फेस और भी सॉफ्ट हो जाता है। फेस मसाज से उनको थोड़ा आराम मिले और वो शांति से सोए रहे। नेक्स्ट प्रोसेस मैं यूज करने वाली हूँ स्क्रबिंग, ताकि इनके मुंह का जितना भी धूल मिट्टी पोल्यूशन जो सब लगा है वो सब निकल जाए और इनका मुंह टैन फ्री हो जाए। और 2 मिनट तक मैं इनके मुंह पे स्क्रब करूँ। तो इनका मुंह मैं अच्छे से चारों ओर स्क्रब करके दे रही हूँ ताकि वो लास्ट में जब देखे मुझे एक भी कॉम्प्लेन ना मिले। स्क्रबिंग फिनिश होने के बाद मैं इनका मुंह अच्छे से वेट वाइप से पोंछ दे रही हूँ। तो अभी मैं चारकोल फेस मास्क यूज करने वाली हूँ। ये यूज करने से इनके मुंह में जितने भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड टर्ड है वो सब निकल जाएंगे। और इसको मैं 15 मिनट तक फेस पे रखने दूंगी। और इसको थोड़ा ध्यान से लगाना, अगर बालों में गलती से लग जाए उठाते समय सामने वाला बहुत गुस्सा हो सकता है। तो अभी हमारा 15 मिनट कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से सूखने देना पहले। ये सूखने के बाद बहुत अच्छे से फेस से उठ जाता है। तो अभी मैं यूज करने वाली हूँ सीरम, ताकि ग्लो बरकरार रहे और फेस में एक नया चमक आए। सो हमारा लास्ट प्रोसेस होगा मॉइस्चराइजर। अभी मैं मॉइस्चराइजर यूज करूंगी ताकि फेस पूरा नरिश सॉफ्ट रहे। फाइनली जब उनके मुंह पे मैंने स्माइल देखा मैं समझ गई। जब मैंने पूछा तब वो बोले